नमस्कार दोस्तों। तो सैमसंग गैलेक्सी A54 5G बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। बहुत ही जल्द मतलब ये जो स्मार्टफोन इंडिया का जो सैमसंग साइड उसमें जो नाम ऑलरेडी लिस्टिंग हो चुका है, मतलब प्रोडक्ट उसमें लॉन्च होना बाकी है। तो कहा जा रही है कि ये जो स्मार्टफोन जून महीने के फर्स्ट वीक पे लॉन्च होने के सबसे ज्यादा चांस है। तो इसलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो गैलेक्सी A54 नाम का जो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, इसका फुल स्पेसिफिकेशन, प्राइस, और जिस प्राइस पॉइंट में आएगा तो आपको इसे लेना चाहिए या फिर सेम प्राइस पॉइंट में दूसरे जो बहुत सारे चाइनीज ब्रांड है उसका फोन लेना चाहिए। इस वीडियो में इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई बात के आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में। तो जैसे कि देख सकते हैं गैलेक्सी A54 पीछे से दिखने में एग्जैक्टली ऐसा होगा। ये जो स्मार्टफोन आपको टोटल 4 कलर पे देखने को मिलेगा, मतलब ये चीज समझ लीजिए कि इसका जो पीछे का डिजाइन वो एग्जैक्टली गैलेक्सी S23 के जैसा ही होगा। फोन का थिकनेस होगा 8.4 मिलीमीटर और वेट है 199 ग्राम। इसके पीछे आपको मिलेगा ग्लॉसी टाइप का प्लास्टिक बैक कवर। डिस्प्ले में आपको मिलेगा 6.7 इंच फुल HD प्लस 120Hz सुपर एमोलेड प्लस क्वालिटी का डिस्प्ले। उसके साथ सैमसंग अपने फोन में कितने हर्ज का टच सैम्पलिंग रेट या फिर क्या इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करता। उसके साथ 1000 nits का ब्राइटनेस, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। डिस्प्ले के सर्टिफिकेशन में आपको मिलेगा HDR10+ का सर्टिफिकेशन और इसके जो डिस्प्ले का प्रोटेक्शन वो आपको मिलेगा गोइला ग्लास 5। तो मतलब हम ये चीज बोल सकते हैं क्योंकि सैमसंग के फोन में हमें सुपर एमोलेड प्लस क्वालिटी का डिस्प्ले मिल रहा है, तो मतलब प्राइस पॉइंट का सबसे बेस्ट डिस्प्ले इसमें ही हमें मिलेगा। प्रोसेसर की अगर बात करें इसमें आपको मिलेगा एक्सिनॉस 13805G प्रोसेसर, जिसका परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो स्नैपड्रैगन 770G के आसपास है। कैमरे में आपको मिलेगा 108, 8 और 2 का रियर कैमरा, उसके साथ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी। इसके रियर कैमरे के साथ आपको OIS, EIS दोनों का ऑप्शन मिलेगा। ये जो फोन टोटल 2 वेरिएंट पे लॉन्च होगा, 8 128GB और 8 256GB। रैम का क्वालिटी है LPDDR4X। मेमोरी पे आपको मिलेगा UFS 2.2 और उसके साथ हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का ऑप्शन। बैटरी में आपको मिलेगा 6000mAh बैटरी, 25W का चार्जिंग सिस्टम। अभी इसका जो चार्जर बॉक्स के अंदर मिलेगा कि नहीं कोई कॉन्फर्म इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद बॉक्स के अंदर मिल सकता है। और उसके साथ USB Type-C का कनेक्टिविटी। तो अगर हम इसके कुछ बाकी फीचर के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलेगा Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स, कोई भी 3.5 इंच जैक अवेलेबल नहीं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और डुअल स्पीकर डेफिनेटली हमें मिलेगा। तो अब जो सबसे मेन चीज किस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होने वाला है, तो देखिए ये जो फोन इसका बॉक्स का प्राइस मालूम चल चुका है 3499 रुपीज। अगर बॉक्स प्राइस है 35,000 रुपीज तो मतलब डेफिनेटली इंडिया पे लॉन्च होगा 31,000 या फिर 32,000 रुपीज के आसपास। और सैमसंग के ऊपर पूरे साल प्रोबेबली HDFC बैंक की तरफ से ऑफर आपको मिलता है, तो मतलब ये फोन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा 30,000 के आसपास। तो अभी हार्ड वीडियो से देखेंगे कि क्या ये जो सैमसंग गैलेक्सी A54 जो लॉन्च होने वाला है तो क्या प्राइस पॉइंट का सबसे बेस्ट डिवाइस होगा या फिर इससे बेटर दूसरा कोई अवेलेबल है। तो देखिए पहले तो अगर हम इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो पहली बात तो अगर बाकी कोई ब्रांड सेम प्राइस पॉइंट में 10-bit पैनल, E5 पैनल ऐसे बहुत सारी चीजें अगर प्रोवाइड करे, लेकिन फिर भी हर बार उस प्राइस पॉइंट में सैमसंग अपने मोबाइल पे जो भी सुपर एमोलेड क्वालिटी का डिस्प्ले इस्तेमाल करे वो जनरली प्राइस पॉइंट का सबसे बेस्ट क्वालिटी का डिस्प्ले होता है। तो मतलब डिस्प्ले के मामले में नो डाउट सैमसंग का ये जो स्मार्टफोन नंबर 1। प्रोसेसर की अगर बात करें तो बहुत ही एवरेज, क्योंकि जो एक्सिनोस 1380 उसका परफॉर्मेंस एग्जैक्टली स्नैपड्रैगन 770G के जैसा ही है। और स्नैपड्रैगन 770G वाले स्मार्टफोन हमें आज के दिन में मिलता है 20,000 पे, तो मतलब परफॉर्मेंस इसका बहुत ज्यादा एवरेज। अभी इसके साथ आपको LPDDR4X और UFS 2.2 का कॉम्बिनेशन मिलेगा, मतलब इस मामले में भी एवरेज, क्योंकि बाकी जो चाइनीज ब्रांड वो आपको प्रोवाइड करेगा LPDDR5 और UFS 3.1 का कॉम्बिनेशन। कैमरे की अगर बात करें डेफिनेटली प्राइस पॉइंट के अंदर का सबसे बेस्ट क्वालिटी का कैमरा सिस्टम इसमें आपको मिलेगा। मेरे ख्याल से 30,000 पे अभी करेंगे सबसे बेस्ट कैमरा सिस्टम है नथिंग फोन 1, और अगर नथिंग के साथ कोई कॉम्पीट कर सकता है तो वो होगा सैमसंग का ये जो स्मार्टफोन, क्योंकि सैमसंग का स्मार्टफोन सैमसंग का खुद का 108 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर और सैमसंग का ही अपना कैमरा ऑप्टिमाइजेशन, तो इसीलिए कैमरे के मामले में नो डाउट ये जो स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया होगा। बैटरी अगर बात करें चार्जर के क्वालिटी में बहुत ही बिलो एवरेज, लेकिन जो बैटरी कैपेसिटी उसके मामले में बहुत ही सही। और इसके अलावा बाकी स्पेसिफिकेशन जैसे कि एंड्रॉइड 13 कोई भी 3.5 जैक ना होना, डुअल स्टीरियो स्पीकर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, ये भी ठीक ठाक है। और हाँ एक और चीज,
चाइनीज ब्रांड की अगर आप स्मार्टफोन लेंगे तो सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद उसमें क्या इशू होगा इसके बारे में कोई भी गारंटी नहीं। और यहाँ तक सॉफ्टवेयर अपडेट आपको बस 2 साल तक मेजर अपडेट और 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट आपको मिलेगा। लेकिन क्योंकि सैमसंग की तरफ से आने वाला स्मार्टफोन है तो इसीलिए इसमें आपको 4 साल का मेजर OS अपडेट और 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट आपको मिलेगा। और फोन को अपडेट करने के बाद फोन में आपको गारंटीड कोई भी हार्डवेयर रिलेटेड इशू नहीं मिलेगा। और अगर इशू होता है तो डेफिनेटली सैमसंग का कस्टमर सर्विस चाइनीज ब्रांड के जैसा वारंटी रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो मतलब देखिए वीडियो का अगर मैं ये चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको 30,000 के आसपास कोई ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो कि आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, मूवी वगैरह देखने के लिए सबसे बेस्ट डिस्प्ले मिलेगा और सबसे बेस्ट क्वालिटी का कैमरा का सपोर्ट मिलेगा, तो मेरे ख्याल से गैलेक्सी A54 5G आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस होगा। लेकिन अगर आपका मेन टारगेट है कोई ऐसा स्मार्टफोन जो कि आप 2-2.5 साल तक इस्तेमाल करेंगे, परफॉर्मेंस जिसका सबसे बेस्ट होना चाहिए, तो ये जो फोन आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो अभी आप मुझे कम से कम जरूर बताने की जो गैलेक्सी A54 जो कि इसी स्पेसिफिकेशन के साथ इसी प्राइस पॉइंट में लॉन्च होने वाला है, तो क्या आप इस प्राइस पॉइंट में इसे लेना चाहेंगे या फिर कोई दूसरा फोन आप चूज करेंगे, इसके बारे में मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।